तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज के सेशन में कस्टम फॉर्मेटिंग। कस्टम फॉर्मेटिंग उससे पहले, क्योंकि हमने इससे पहले जो है बाकी फॉर्मेटिंग के ऊपर डिस्कस किया था, हम नंबर फॉर्मेटिंग पे आते हैं। और नंबर फॉर्मेटिंग में जो होता है कि किस तरह से आप अपने नंबर को फॉर्मेट करते हो, उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ सबसे पहले जनरल है, मतलब जैसा आप टाइप करते हो ऐसा होगा, जाता है नंबर। नंबर फॉर्मेटिंग की बात करें तो आपका नंबर किस तरह से दिखना चाहिए, कितना डेसिमल दिखना चाहिए, नेगेटिव कैसा दिखना चाहिए, वो है। थाउजेंड सेपरेटर होना नहीं चाहिए, होना चाहिए यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं आप। करेंसी में करेंसी का सिंबल या करेंसी कोड यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं आप। सर सर ये नंबर जो सेपरेटर का ये सेपरेटर सेपरेटर से से कॉमा कॉमा दिखाई दिखाई देता है देता मतलब। थाउजेंड सेपरेटर थाउजेंड अच्छा सर मतलब थाउजेंड्स की थाउजेंड्स की फिगर में फिगर में वो वो कॉमा कॉमा लगा लगा देगा। देगा। जी, ठीक है थाउजेंड ठीक है। सेपरेटर। थाउजेंड सेपरेटर हो जाता है। उसके बाद यहाँ करेंसी में सेम होता है, बट यहाँ पे आपका नंबर हो जाता है। उसके बाद अकाउंटिंग में भी सेम, आप करेंसी कोड दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे सामने करेंसी कोड है। करेंसी का एक और यूज करते हैं, अगर मैं यहाँ पे रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाऊं और यहाँ पे इस तरह क्लिक करूँ, सॉरी इक्वल रैंड बिटवीन 02, मान लीजिए हम 9 देते हैं और एक एरिया पे डाल देते हैं, तो यहाँ आप देखेंगे कि बहुत सारे जगहों पे 0 आया हुआ है, ठीक है ना। अब मुझे इस 0 को अलग शो करना ताकि दिख सके, क्योंकि तो 0 से ढूंढना पड़ा। तो फॉर्मेट सेल में हम अकाउंटिंग में आके यहाँ नन कर देते हैं, डेसिमल प्लेस में रखना रखिए, अदरवाइज 0 कर दीजिए। और यहाँ पे जैसे हम ओके करेंगे, आप देखेंगे कि जो डैश है वो 0 होता, मतलब तो 0 जो है डैश बन गया, लेकिन विजुअल में एक्चुअली में 0 ही है। क्योंकि तो सिंपल सा लॉजिक है कि किसी भी कंडीशन में किसी भी तरीके से आप अपनी ओरिजिनल को चेंज नहीं कर सकते फॉर्मेटिंग की मदद से। तो ठीक ओरिजिनलिटी है ठीक ओरिजिनलिटी जो है जस्ट विजिबिलिटी चेंज करते हैं। है ठीक है। तो ये दिख रहा है डैश, बट एक्चुअली में क्या है, 0 है। जीरो कभी कभी इसका यूज हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पे आपका डेट का फॉर्मेट है, अपना डेट दे सकते हैं। डेट अलग अलग कंट्री का डेट फॉर्मेट से आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। सेम टाइम है, अलग अलग कंट्री का टाइम फॉर्मेट है, आप टाइम दे सकते हैं यहाँ से। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे डाला किसी का ओवर टाइम 37, 30 और 13, तो अभी दिख रहा है, पर गलती से इस पे हो गया जनरल फॉर्म। अब इसके ऊपर आप टाइम फॉर्मेट डाल लो जाएंगे, तो यहाँ देखिए इसमें जो टाइम फॉर्मेट दिख रहा है, एक कोई भी टाइम फॉर्मेट 24 आवर से ज़्यादा का टाइम नहीं दिख रहा है, ठीक है। बिल्कुल इसके लिए आपको ठीक यहाँ है अच्छा कंट्री में सेलेक्ट करना होगा यूएस, यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कीजिए, और फिर ये आएगा आपको 37,30,55। ये फॉर्मेट जब लेके ओके करेंगे तो फिर आपका दिख जाएगा, या फिर कस्टम फॉर्मेटिंग के अंदर जो कोड है वो इस्तेमाल करेंगे, वो आगे बताता हूँ आपको। ठीक है। उसके बाद परसेंटेज तो नॉर्मल वही है जो ऊपर था। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 2.5, ठीक है। 2.5 में हम फ्रैक्शन में जाते हैं, तो इस तरह से 1/2, 2/4, इस तरह की चीजें हम शो कर अच्छा सकते हैं। ठीक है प्रोपोर्शनेट ठीक है जी, उसके बाद मान लीजिए कि मुझे इसमें देना है चेक नंबर। तो इंडिया में चेक नंबर लिखते हैं तो इसमें क्या होता है कि 0045 सिक्स डिजिट का चेक नंबर होता है, तो कभी कभी सिक्स डिजिट जी होता है तो सिक्स डिजिट लिख देते हैं, कभी कभी क्या होता है फोर डिजिट होता है, तो उसके आगे 2 जीरो लगा के लिखना पड़ता है, बिल्कुल ठीक है।
है लेकिन जब दो जीरो लगा के लिखते हैं तो एंटर प्रेस करते ही जीरो हट जाता है, तो उस केस में आप सिंगल कोट लगाएं और यहां पे आप लिखें जीरो लगाएं, क्योंकि तो सिंगल कोट लगाते क्या हो गया, एक टेक्स्ट हो हाँ गया। क्लियर है? अब पूरे ठीक है। कॉमा पूरे कॉलम में मुझे अगर चेक नंबर लिखने हैं तो हर बार सिंगल कोट लगाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, तो पूरे कॉलम बिल्कुल को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल करें और इसको करें टेक्स्ट, क्या करें, टेक्स्ट टेक्स्ट एंड ओके कर दें। अब सिंगल कोट लगाने की जरूरत नहीं है, जो भी लिखिएगा वो यहाँ ऑटोमेटिकली टेक्स्ट ही होगा। आप यहाँ पे कोई ओके फॉर्मूला भी लगाते हैं तो फॉर्मूला लग जाएगा बट परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि तो फॉर्मूला भी लगता है जनरल फॉर्मेट पे, नंबर फॉर्मेट पे, ना कि टेक्स्ट फॉर्मेट ठीक पे। है तो हमने क्या किया, इसकी सेल की जो प्रॉपर्टी थी वो टेक्स्ट कर दिया, समझ गए। ठीक है। स्पेशल वगैरह तो उतना यूज होता नहीं, यूएसए वगैरह में जिप कोड वगैरह के लिए यूज किया जाता है, अच्छा फोन नंबर जिप कोड इस तरह यूज किया जाता है। अब यहाँ पे आप बात करते हैं कस्टम, कस्टम में हम अपने हिसाब से जो बनाना चाहे बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कि हमने कुछ नंबर्स दे दिए इस तरह से, अब प्रॉब्लम ये है कि आपका चेक नंबर टाइप करना है तब 00 टाइप करेंगे ना, आप किसी ने टाइप करके आपको भेज दिया है चेक। अब ठीक है चेक, अब इस चेक नंबर को प्रिंट आउट में भेजना है एनेक्सर में, इसका यूज हम लोग करते थे सर, श्री फाइनेंशियल जब थे तो हमें मतलब कि वही हर एक दिन जो है 1000 से 1500 चेक भेजने पड़ते थे, वो सारे जो जिनके चेक बाउंस हो जाते थे तो उनसे हम चेक दोबारा कलेक्ट करते थे, पहले ईसीएस वाला सिस्टम नहीं ना था, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है तो इनके चेक बाउंस हो जाते थे तो उनसे चेक हम आके लेते थे कि आपके चेक बाउंस हो गए, ठीक है तो उसकी एंट्री अगर हम एनसी वगैरह भेजती थी तो एनसी वगैरह क्या करते थे, इस तरह से भेजते थे, बट बैंक कर रहा था कि फॉर्मेट में भेज, तो अब क्या है कि 1500 1200 चेक के स्लिप थोड़े थे, जैसे नॉर्मली आप एक दो चेक जमा करना है तो उसके ऊपर बैंक स्लिप देता है, उस पर फिल कर देते हैं। बिल्कुल 1500 20 लिप कौन उसमें बैठेगा। हाँ तो वो लोग क्या करते थे कि बोलते थे अनेक्शन भेज दो, तो वो लोगों का एक फॉर्मेट था जिसमें हम पूरा भर के प्रिंट आउट निकाल लेते थे 100 सीट पे और हम उनको चेक के साथ अटैच करें, सारे चेक के साथ एक ही प्रिंट आउट अटैच कर देते, हर एक चेक के साथ नहीं, एक कंसोलिडेटेड हम एक लिस्ट बनाते थे रिसीविंग के लिए, हमें रिसीविंग चाहिए होता था, ठीक है हालांकि चेक पे स्लिप भरने की जरूरत नहीं है, चेक के पीछे अकाउंट नंबर लिख दीजिए आपका अपने आप जमा हो जाता है। बिल्कुल तो हमें रिसीविंग चाहिए होता था इसलिए, ठीक तो है यहाँ हमने इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम गए कस्टम पे, और कस्टम पे जब यहाँ आए तो यहाँ लिखा हमने 00000 एंड ओके, ठीक है। अच्छा अच्छा हम 6 टाइम 0 डाले, क्यों डाले 6 टाइम 0, क्योंकि तो 6 डिजिट मेंटेन कर। ठीक अब ऐसे मान लीजिए मुझे यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है, मुझे क्या लिखना है, मोबाइल मोबाइल नंबर, नंबर इंडिया का कोड है +9। अब +91 लगाने के बाद अगर कोई नंबर दिखते हैं तो ये आपको सही सही से नहीं दिखता है, ठीक है तो ये दिख रहा है, ये दिख तो रहा है, तो स्पेशल नंबर बाय डिफॉल्ट चला गया है, हालांकि जाता नहीं है, +91 880 2560 93। देखिए इस तरह से दिखाई, ठीक है या फिर किसी ने नंबर लिख दिया है उसके आगे +91 लगा प्रिंट आउट के लिए, ये सब तो चीजें विजुअल के लिए कर रहा है, प्रिंट अच्छा आउट में ही आएगा, ओरिजिनल में नहीं आएगा, फॉर्मूला वगैरह में इसका यूज नहीं होगा। ठीक है 91 88 हम यहाँ पे हम दे देते हैं उसके प्लस पास 10 0 डाल देंगे ना सर ना फिर। 1 0 डाल दीजिए, 10 0 डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ आप देखिए अब नंबर अच्छा वो छोड़ लिमिट नहीं दीजिए, सेट करता। ठीक है हाँ प्रीफिक्स ऐड करते हैं, ठीक। 0 10 या 20, 10 या 5 संख्या के अकॉर्डिंग डालना होता है, कब जब हमें सेपरेटर देना होता है, बीच में देना होता है,
जैसे कि यहाँ आईडी की बात करें, हम आईडी डालना चाहते हैं हर 3 डिजिट के बाद डैश लग जाए, तो यहाँ हमें काउंटिंग करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 000-000-000, समझे, और फिर यहाँ ओके करेंगे। अब यहाँ देखिए हम 123693 और ये डाल दिए, हर 3 डिजिट के बाद देखिए हैश तो ठीक है। अब यहाँ पे अकाउंट नंबर मैं डालना चाहता हूँ, चले जाते तो आप कोई भी नंबर डालते हैं, 10-11 डिजिट तक आपने डाला तो नंबर दिखेगा, जैसे आपने 12वां डिजिट डाला वो नहीं दिखेगा। बट ये हो क्या रहा है इसमें, बाय डिफॉल्ट स्पेशल नंबर में चला जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह के साइंटिफिक फॉर्मेट दिखेगा, तो उस केस में आप क्या करें, कस्टम पे जाए और एक हैश या एक जीरो देके एंटर प्रेस करें, ठीक है सर। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपका 13वां, 14वां, 15वां नंबर डालते हैं तो दिख रहा है, 16वां नंबर के बाद, 15 नंबर के बाद जितने भी नंबर डालेंगे वो जीरो बन जाएगा। अच्छा, एक्सेल के अंदर में 15 डिजिट से ज्यादा का नंबर नहीं डाल सकते, ऐसे नंबर को अगर डालते हैं तो जो भी 15 डिजिट के ऊपर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ कि एक्सेल की जो कैपेसिटी है वो 15 डिजिट तक की कैलकुलेशन की ही कैपेसिटी है, इससे ऊपर ये कैलकुलेशन सुपर कंप्यूटर करता है। इंडिया का सुपर कंप्यूटर का नाम पता है आपको, नहीं पता, नहीं जीके बड़ा कमजोर है आपका, जीके बड़ा कमजोर है आपका, परम 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 टू है, परम वन परम टू, आई थिंक तीसरा भी चलने बनने वाला तो बना कि नहीं बना ये तो अपडेट नहीं है, आप देख लीजिए गूगल। अच्छा ठीक है, परम कंप्यूटर है, पुणे में है शायद, ठीक है। सुपर कंप्यूटर कैलकुलेशन बनती है, जैसे कि जो बड़े बड़े कैलकुलेशन होते हैं, बड़े बड़े डेटा को प्रोसेस करने का काम होता है वो सुपर कंप्यूटर ही कर पाता है, वो आपका हमारा पीसी नहीं कर पाता, क्योंकि हमारा पर्सनल कंप्यूटर 15 डिजिट तक की कैलकुलेशन के लिए बना है, उससे ऊपर की कैलकुलेशन जो है नहीं कर पाता है, ठीक है समझे, ठीक। इसलिए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। और सुपर कंप्यूटर जो परम है उसको इंडिया ने बनाया है किसी की मदद के बगैर। अच्छा, वो गए थे हमारे राजीव गांधी जी यूएसए गए थे और रसिया गए थे, यूएसए गए थे इंजन के लिए और वहां पे गए थे, नहीं यूएसए गए थे कंप्यूटर के लिए, सुपर कंप्यूटर के लिए, और रसिया गए थे इंजन के लिए, तो दोनों ने मना कर बेइज्जती करा के चले आए, तो इंडियन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि हमें फंड दीजिए हम बना देंगे, और मात्र 2 साल में तैयार करके उन्होंने सुपर कंप्यूटर दे दिया, ठीक है जी। नाम परम, ठीक है। अब इसका कब बना था, कैसे बना था वो इंटरनेट में देखना पड़ेगा। परम 8000 था, परम 86000 है, परम 900 है, परम 10000 है, ये लास्ट है। अभी जो चल रहा है ऊपर चल रहा है परम कमुप्रा, परम कमुप्रा 838 टेरा फ्लॉप्स का सुपर कंप्यूटर आईआईटी गुवाहाटी बनाया है। इसका सीपीयू जो है ना 10,124,000 का ये थी है कुडा कोड है, सोचिए हम लोग 1.8 पॉइंट समथिंग यूज करते हैं,
और परम 8000 जो बना था वो 1991 में बना था, ठीक है? 91 जी इतने हाँ, साल हो गए 64 भाई, प्रोसेसर था। 31 साल हो गए उसके तब बाद बना था। 1992 में आया प्रॉम 8600, उसके बाद प्रॉम 9900 बना 1994 में। लगातार अपडेट होते जा रहे हो, ठीक है ना? और एक प्रॉम कमुकरा बना है, ये 13 अक्टूबर, 13 अक्टूबर को ही बना है, YIT गुवाहाटी ने बनाया है। परम गंगा, परम शक्ति, बहुत ज्यादा है सर, ठीक है? तो सुपर कंप्यूटर का यूज जो होता है इसी तरह की कैलकुलेशन के लिए, लेकिन हमारी जो नॉर्मल पीसीज है वो प्रोसेस नहीं कर पाती है इतनी सारी कैलकुलेशन। तो जो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स है या बड़े बड़े जो हमारे एस्ट्रोनेट की कैलकुलेशन होती है, जो मंगलयान वगैरह कैलकुलेशन होती है, वो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर जो है वो करने में सक्षम नहीं होता है। आप देख सकते हैं ना, आपके सामने आप कैलकुलेटर ही खोल लीजिए, किस पे करेंगे, सब में वही दिक्कत है। लेकिन प्रॉब्लम आता है कि मैं बात कर रहा था अकाउंट नंबर पे, बट अकाउंट नंबर मेरे पास मान लीजिए कि 18 डिजिट का है, तब कैसे लिखूं, क्योंकि ये तो 15 डिजिट से ऊपर जा ही रहा है। लेकिन आप देखेंगे पीएनबी का अकाउंट नंबर 18 डिजिट का, 17-18 डिजिट का होता है, क्या 16 डिजिट के तक कार्ड नंबर होते हैं, एटीएम कार्ड नंबर होते हैं। बिल्कुल तो उस केस में आप सिंगल कोड लगाएं और 32,767 नंबर नंबर डाल सकते हैं, समझ गए? अच्छा 32,767, यार, 767 इसकी पुष्टि आप लिमिटेशन में जाके पढ़ के कर सकते हैं। लेकिन ठीक सिंगल है। कोड तो वो जाता है नॉन कैलकुलेटिव नंबर्स टेक्स्ट। लेकिन एक चीज और रखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि मुझे मान लीजिए कि 2 मोबाइल नंबर, 8802579388, और स्पेस देके कॉमा लगा देते हैं, 8802, यहाँ पे मान लीजिए दूसरा दे दिया 2682809। अब जैसे एंटर मारते दिख रहा है, क्योंकि हमने इसमें स्पेस डाल दिया। अब कुछ लोग क्या करते हैं, स्पेस नहीं डालते, डायरेक्ट लिख देते हैं, तो कुछ इस तरह का हो जाता है। देखो दिखाए नहीं, नंबर दिखाने वाली बात छुपा नहीं है। मेरा बेटा बोल रहा है कि नंबर मैं लिखूंगा, दिखेगा किसी को नहीं। ये आप वहां ऊपर देखिए ना, आपका नंबर कितना डिजिट खत्म हो गया, देखा सर? आपका 15 दिखे, एक मोबाइल नंबर पूरा आया, दूसरे मोबाइल नंबर का क्या हुआ कि मात्र 5 डिजिट आया और 5 डिजिट लास्ट का 0 बन गया, समझे? इसलिए कभी भी अगर 2 नंबर इस तरह से कॉमा में लिखना है तो शुड बी स्पेस डैश, इस तरह का स्पेस तो होना चाहिए, डैश तो दीजिए, कॉमा मत दीजिए। अच्छा मान लीजिए कॉमा हटा देते, सिर्फ डैश देते हैं, तो क्या नंबर दिखेगा? सब दिखेगा, देखिएगा कॉमा नहीं देना है, क्या नहीं देना है? कॉमन लेवल आ कॉमा अगर देते हैं तो शुड बी एट द स्पेस, ठीक ठीक है सर? जी। ऐसी गलती करेंगे तो डेटा लॉस्ट हो जाएगा। अब बारी आती है कस्टम फॉर्मेटिंग को डिटेल में पढ़ने की, तो